ओमान में एक मस्जिद के पास हुई गोलाबारी में 6 लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई लोग घायल भी हुए। मंगलवार सुबह ओमान की राजधानी मस्कट में वादी अल कबीर मस्जिद के पास शूटिंग हुई। अल जजीरा के मुताबिक मस्जिद में शियाओं से जुड़ा एक धार्मिक कार्यक्रम हो रहा था। ओमान की पुलिस ने कहा कि इलाके में सुरक्षा बढ़ाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं। हमला किसने किया फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। सोशल मीडिया पर हमले से जुड़े कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। वीडियो के मुताबिक गोलीबारी शुरू होते ही मस्जिद में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने पास में मौजूद इमाम अली मस्जिद में पनाह ली। वहीं हमले में कुछ पाकिस्तानी नागरिक भी घायल हुए हैं। पाकिस्तान के राजदूत ने अस्पताल पहुंचकर उनसे मुलाकात भी की। वहीं मस्कट में मौजूद अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह भी दी। ओमान को मिडल ईस्ट का बिचौलिया कहा जाता है। वे अक्सर तनाव की स्थिति में देशों के बीच संधि करवाने और संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं। ओमान में क्राइम रेट बेहद कम है, वहां आमतौर पर इस तरह के हमले होते रहे हैं। ओमान में शिया मुस्लिम मंगलवार को आशुरा मना रहे थे। इस दिन शिया 7वीं सदी में पैगंबर मोहम्मद के पोते इमाम हुसैन की युद्ध में हुई शहादत को याद करते हैं। कई शिया मुस्लिम इस दिन इराक में इमाम हुसैन की दरगाह पर जाते हैं, साथ ही वे व्रत भी रखते हैं। ओमान की 86% आबादी मुस्लिम है, इनमें 45% सुन्नी मुस्लिम है, 45% इबादी मुस्लिम है, वहीं देश के 5% आबादी शिया की है। ऐसी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल 100 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।